हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफलता क्या है। सफलता किसी व्यक्ति की अभिलाषा, लालसा, इच्छा है। प्रत्येक व्यक्ति सफल माने जाने वाली शख्सियत के जैसा होना चाहता है। सफलता की परिभाषा अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग है। यह व्यक्ति की सोच, उसकी मेहनत, काबिलियत, उसके आत्मबल, उसकी संकल्प शक्ति के साथ संस्कारों पर भी निर्भर है। यहाँ सभी लोग अपने सपने और लक्ष्य को या उस बात का पीछा कर रहे हैं जो उन्हें लगता है उनके लिए जरूरी है या जिसके मिल जाने से उनके जीवन में बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। उन्हें संतुष्टि, तृप्ति या सार्थकता महसूस होगी। इस जगह या स्थिति को पा लेना ही उनके लिए सफलता का पैमाना है। यह मानव स्वभाव है और हम सभी इससे बंधे हुए जीते हैं। हम जिस दुनिया और समय में जीते हैं वहाँ कुछ बातें प्रचलित है, घर परिवार से लेकर सामाजिक व्यवस्था तक। यहाँ कुछ मानक और प्रतिमान निश्चित कर दिए गए हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए कि उसे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसकी सार्थकता क्या होती है। जैसे कि पढ़ाई करना, नौकरी या व्यापार पा लेना, शादी कर लेना, घर बना लेना, कार, बैंक बैलेंस, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के यह उपाय है। लोग इन स्थितियों को पाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते हैं। अब इनमें से कुछ इस दुनिया में जीने और कार्य करने के लिए निश्चित ही बेहद जरूरी है। इनके बगैर आप एक सुखद और सम्मानपूर्वक जीवन नहीं जी सकेंगे। किसी को धन चाहिए, किसी को अपने प्रेमी या प्रेमिका चाहिए, किसी को धन, वैभव और पद चाहिए, किसी को किसी और लक्ष्य के मिल जाने की आस है। ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि दूसरों को सफल दिखाई देने वाले व्यक्ति अंदर से बहुत परेशान एवं टूटे हुए होते हैं। आर्थिक संपन्नता को सफलता का मापदंड माना जाता है, एक बड़ी गलती है। लेकिन मानसिक संतुष्टि को सफलता से अवश्य जोड़ा जा सकता है। आजकल के दौर में जब युवा सफलता मतलब पैसा या नाम कमाने को देखते हैं या दुनिया में दिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक बदहाली और समय का दोष है। आजकल के समय काल में पैसा कमाना अंतिम ध्येय बताया जाता है, जो कि अक्सर गलत होता है। सभी अपनी स्थिति से एक दूसरे बिंदु या स्थिति की ओर गति कर रहे हैं और अपना जीवन, शक्ति, ऊर्जा और साधन, समय इसमें लगा रहे हैं। और जब वे अपना लक्ष्य पा लेते हैं और उन्हें दूसरे लोगों को लगता है वो सफल हैं, यही इस दुनिया में प्रचलित है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है उसे सम्मान मिले, उसके पास पर्याप्त तो धन हो, रहने के लिए मकान हो एवं अपने मित्रों, समाज में उसकी प्रतिष्ठा मिले। हर व्यक्ति की अभिलाषा होती है वो जो भी कार्य करे उसमें उसे सफलता मिले। सफलता का लिंगन हर व्यक्ति करना चाहता है। जब वो अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें और उन जैसे लक्ष्य और कामना रखने वाले सभी लोग समझते हैं कि वो व्यक्ति सफल है, क्योंकि उनके निर्धारित लक्ष्य, वस्तु, स्थिति, परिणाम को प्राप्त कर लिया है। तो यह सब हासिल कर लेना सफलता है। इसके अलावा कुछ लोग किसी कार्य विशेष क्षेत्र, विशेष कला या हुनर में पारंगत होने को सफलता समझते हैं। किसी खास पद या पुरस्कार की प्राप्ति को सफलता समझते हैं। इस दिशा में कार्यरत हैं जैसे खिलाड़ी, संगीत, नृत्य, चित्रकारी और अन्य विधिक कला और रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति और संस्थाएं हैं। इस तरह सारा जीवन और स्थिति जो है उससे कुछ और बेहतर होने के लिए प्रयासरत है, गतिमान है। सभी की आकांक्षा विस्तार और अधिक पा लेने की है। सब लोग कुछ जोड़ना चाहते हैं अपने आप के साथ, ताकि स्वयं को अधिक विकसित, विस्तृत और शक्तिशाली अनुभव कर सके। यह हर जीव की आंतरिक आकांक्षा है और सभी अपनी बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य से इस दिशा में अग्रसर है। कुछ लोग अपने उद्देश्यों में सफल हो जाते हैं और कुछ लोग अपने चाहे हुए परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते, तो एक को सफल और दूसरे को असफल होने का लेबल लगा दिया जाता है। जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं वो सदा इससे खुश, संतुष्ट और तृप्त रहते हैं। ऐसा सोचना गलत है। क्या इसके बाद उनके जीवन में कुछ और हासिल करने की चाहत बसती नहीं है क्या? जब व्यक्ति एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उसी समय उनके लिए व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि उसे उससे आगे की बात दिखाई पड़ने लगती है। जैसे एक व्यक्ति बेरोजगारी और निर्धनता की स्थिति से 20,000 रुपये प्रति माह की कमाने लग जाए, कुछ समय में तो उसे एक लक्ष्य अर्जित कर लिया, लेकिन इस अवस्था को प्राप्त करते ही उसे लगने लगता है कि यह तो
20,000 से 40,000 रुपये कमाना चाहिए। जीवन में सफलता क्या है, इस तरह की अंतहीन सिलसिला चलता रहता है। क्योंकि मनुष्य न चाहते हुए जो भी कुछ उसने संगत जगत से पा लिया है उसे संतुष्ट नहीं रह पाता। जितना वो यह पाता है उतना उसकी प्यास बढ़ जाती है और एक खालीपन और सूनापन उसके जीवन में सदा भरा हुआ रहता है। जीवन का स्वभाव है विस्तार और फैलाव। मनुष्य की सारी गति प्रगति का लक्ष्य अनंत विस्तार को उपलब्ध कराना है, इतना कि फिर भी कुछ पाने की शेष न रह जाए। यही प्यास सभी के अंदर है। एक छोटे से कीड़े को लेकर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति तक, इसलिए मनुष्य एक स्थिति से दूसरी स्थिति और अनुभव की ओर गति करता रहता है और उसका जीवन समाप्त हो जाता है। धरती पे इस सभी इंसानों को यही इच्छा है कि वो उसे मिल जाए, इसके बाद उसे किसी चीज की जरूरत ना रहे। अब सवाल यह है कि इस दुनिया में कोई भी संपत्ति, पद, सम्मान, रिश्ता या कुछ भी ऐसा है जो मनुष्य की इस प्यास और खोज की भूख को पूरा कर सकता है? और क्या यह सब मिल जाने के बाद भी मनुष्य की प्यास और चाहत खत्म हो जाती है? इसे जाने बिना और पाए बिना कोई भी बात, कोई भी दुनिया व उपलब्धि आपको सफल नहीं बना सकती, आपकी खोज और प्यास मिट नहीं सकती। आज दुनिया में यही सभी किस्म की उपलब्धियों, सफलता और समृद्धि पाकर लोग बीमार, हताश और दुखी हैं। निश्चित ही यह सभी उपलब्धियां सामान, सुख, भोग, पद, प्रतिष्ठा उन्हें समस्याओं और दुखों से मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि इन सभी चीज़ों को उसमें वृद्धि हो रही है। तो फिर हम इसे सफलता कैसे कर सकते हैं? सभी लोग अपने विकास के विभिन्न चरणों में हैं। कोई सीख रहा है, कोई बेहतर हो चुका है और कोई उसकी भव्य रूप में जाहिर करने में समर्थ हो गया है। जैसे कि मोदी के जीवन को ले लीजिए। पहले वह चाय बनाते थे, फिर वह अपने RSS की संख्याओं में थे। वहाँ पर उन्होंने कुछ न कुछ सीखा होगा, देखा होगा। फिर जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ मिलती गई उनको निभाते चले गए। आज 40 साल पहले उन्होंने शायद ही सोचा होगा कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन उस समय अपने दिए गए कार्यों को करना ही उनकी सफलता का एक पैमाना होगा। और आज वो इतने लोकप्रिय और ताकतवर है तो क्या वो सफलता के अंतिम पायदान पर हैं? धरती पर सभी इंसानों को यही इच्छा है कि वो मिल जाए, जिसके बाद उसे किसी चीज़ की जरूरत न रहे। अब सवाल यह है कि क्या इस दुनिया में कोई भी पदार्थ, संपत्ति, पद, सम्मान, रिश्ता या कुछ भी ऐसा है जो मनुष्य की इस अंतहीन प्यास और खोज को तृप्त या पूरा कर सकता है? और क्या यह सब मिल जाने के बाद भी मनुष्य की प्यास और चाहत खत्म हो जाती है? इसे जाने बिना और पाए बिना कोई भी बात, इस कोई भी दुनियावी उपलब्धि आपको सफल नहीं बना सकती, आपकी खोज और प्यास मिट नहीं सकती। आज दुनिया में यही सभी किस्म की उपलब्धियों, सफलता और समृद्धि पाकर भी लोग अत्यंत बीमार, हताश और दुखी निश्चित है। ये सभी उपलब्धियाँ समान सुख भोग पद प्रतिष्ठा उन्हें समस्याओं और दुखों से मुक्त नहीं कर पा रहे, बल्कि इन चीज़ों की उसमें वृद्धि हो रही। तो फिर हम इसे सफलता कैसे कर सकते हैं? आज अमेरिका और यूरोप और अन्य बेहद समृद्ध और विकसित देशों में मनोरोगियों की संख्या सबसे अधिक है। उनकी 60-70% आबादी, जिसमें 14 वर्ष की उम्र के बच्चे भी शामिल हैं, मनोरोग से ग्रस्त है। बिना दवा लिए वो सो नहीं सकते और न ही सामान्य व्यवहार कर सकते हैं। क्या यह सफलता है? हाल के दिनों में सुशांत सिंह राजपूत नामक प्रसिद्ध कलाकार ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। आजकल के पैमानों के हिसाब से वह एक सफल व्यक्ति थे, फिर भी मनोरोग से घिरे थे। उसका इलाज करवा रहे थे जो पूरी दुनिया को सफल दिख रहा था, कहीं ना कहीं अपने आप को अपने अंदर असफल मान रहा था या किसी चीज़ का डर सता रहा था। वही कारण है से उनको मनोरोग की बीमारी हुई होगी। अच्छी बात तो ये थी कि वह इसका इलाज करवा रहे थे, लेकिन फिर भी इस बीमारी को जीत नहीं पाए। तो क्या हम उन्हें असफल मानेंगे? हमारे देश में 40% आबादी को दोनों वक्त का भोजन उपलब्ध नहीं है। क्या यह हमारे समाज और समुदाय की सफलता है? इस सवाल का जवाब ही वास्तविक सफलता है, जिसे हमारी संस्कृति ने सबसे अधिक मूल्य दिया है। यह सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें खोजना है। इसकी प्राप्ति ही हर किस्म की बेचैनी, भय, तौड़ और संघर्ष से मुक्ति है। और सवाल यह है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है और हम कैसे इसे जान सकते हैं और इसे प्रकट कर सकते हैं?
कोई संत महात्मा अत्यंत साधारण मनुष्य हो या शक्तिपद और अहंकार के नशे में चूर कोई अत्याचारी, सभी को एक जैसी चीज की तलाश है जिसे पाने के बाद उनकी चाह न जाए, वो सारे दुख अभाव और भयों से मुक्त हो जाए। जब तक यह ना हो जाए तब तक सफलता का कोई भी अर्थ नहीं है। जीवन में सफलता का मतलब इसी एक चाहत को पूरा करने के लिए सब पूरी पृथ्वी पर लोग हर किस्म के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं बिना इस बात को समझे कि वो क्या चाहते हैं और उन्हें कैसे मिलेगा। बस सभी पर कुछ करने का भूत सवार है और सभी लोग उस भूत को पकड़ने के लिए चले जा रहे हैं जाने समझे बगैर कि उन्हें जाना कहाँ है और यह राष्ट्र वहाँ ले जाएगा कि नहीं। एक आदमी की चाहत कुछ भी करके उनकी चीज़ों को हासिल करना होता है जिन्हें वो अपनी चाहत बना लेता है। वो आदमी उसके लिए धन बल इकट्ठा कर लेता है, इसके लिए लड़ता है, सबसे दोस्ती दुश्मनी करते हुए उसकी फिक्र करते हुए मर जाता है। कुछ लोगों के लिए सब कुछ खोकर खुद को पाना सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, वो इसमें ही व्यस्त रहते हैं। और आप कैसे तय करेंगे कौन सफल है और कौन असफल? जो दुनिया और दुनियादारी में व्यस्त है उसके लिए यह सब बातें कीमती है, जो इस दुनिया से अलग है उसके लिए यह हम सब मिट्टी है।